हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। आज जो है हम अपना प्रीवियस जो टॉपिक था जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट, उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने, पिछले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि तीन कंडीशंस होती हैं आपकी टॉर्शियस लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। वो होती हैं आपकी, सबसे पहले होती है रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा होता है लीगल रेमेडी और तीसरा होता है आपका लीगल डैमेज। तो उस वीडियो में हमने आपका रॉन्गफुल एक्ट को डिटेल में पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लीगल डैमेज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं हम लीगल डैमेज टॉपिक के साथ में। तो डैमेज जो होता है उसका मतलब होता है कि डैमेज इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल एक्ट। डैमेज क्या है? डिफेंडेंट का जो भी रॉन्गफुल एक्ट होगा उसका जो रिजल्ट है वो आपका डैमेज कहलाता है, क्योंकि उसकी वजह से प्लेंटिफ को कुछ ना कुछ आपका नुकसान होगा। तो जो डैमेज और डैमेजेस जो टर्म है, ये दोनों ही टर्म्स आपस में डिफर करती हैं, मतलब इनका मतलब सेम नहीं है। जैसे डैमेज जो होता है उसका मतलब होता है द हार्म कॉज टू अ पर्सन बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी पर्सन को जो हार्म होता है उसे हम डैमेज कहते हैं। और डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस जो होता है कंपनसेशन होता है जो कि डिफेंडेंट प्रोवाइड कराता है किसको? प्लेंटिफ को। किस चीज़ के लिए? कि जो डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से प्लेंटिव को जो नुकसान हुआ है, जो उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, या हम कह सकते हैं जो उसे लीगल डैमेज हुआ है, उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड कराता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट, अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हार्म कॉज्ड टू इट्स प्रॉपर्टी बॉडी एंड प्रेस्टीज ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना। अगर हम बात करें एन एक्शन फॉर डैमेजेस इज ओनली व्हेन द इंफ्रिंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स लीगल राइट्स बाय अनदर इंडिविजुअल। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी दूसरे पर्सन के लीगल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होता है किसी पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, तो उस केस में लीगल रेमेडी आपकी अवेलेबल होगी। बट मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है उसको उसके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से किसी दूसरे पर्सन को डैमेज तो होता है, मतलब हम कह सकते हैं हार्म तो होता है, बट उसके इसको कोई उसके जो लीगल राइट्स हैं उनका वायलेशन नहीं हुआ है, तो उस केस में जो रेमेडी होती है लीगल रेमेडी आपकी अवेलेबल नहीं होती है टॉर्ट की केस में। इस स्टेटमेंट को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स देन नो एक्शन इन टॉर्ट। अगर मतलब इसका मतलब यह है कि अगर लीगल राइट्स हैं इनका वायलेशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए उस केस में आपका टॉर्ट के अंडर कोई भी लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। ये जो लीगल डैमेज होता है इसको हम दो मैक्सिम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है आपका इंजूरिया साइन डैमनम और दूसरा होता है डैमनम साइन इंजूरिया। देखिए मैंने इसमें लिखा है कि आपका इंजीरिया साइन डैमनम जो होता है वो एक्शनेबल होता है, जबकि डैमनम साइन इंजीरिया जो होता है वो नॉट एक्शनेबल होता है अंडर टॉट। तो इसको मैं शॉर्ट में पहले आपको समझा देती हूँ कि इंजीरिया साइन डैमनम का मतलब होता है, इंजीरिया का मतलब होता है आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट, साइन का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है आपका डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ मनी, हेल्थ, कम्फर्ट, हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो अगर हम इसको उल्टा कर लें, डैमनम साइन इंजूरिया, इसका मतलब डैमेज हो रहा है बट बिना किसी वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स के। तो आपका जो टॉर्ट होता है, टॉर्ट में ये वाली जो कंडीशन होती है, इंजूरिया साइन डैमनम वाली जो कंडीशन होती है, ये एक्शनेबल होती है। मतलब इस अगर ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो आपका जो प्लेंटिव है वो सूट फाइल कर सकता है लीगल रेमेडी के लिए अगेंस्ट द डिपेंडेंट। बट डैमनम साइन इंजूरिया वाली अगर कंडीशन है, मतलब डैमेज हो रहा है, ठीक है ना, बट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है प्लेंटिव को। तो चलिए हम पहले मैक्सिम जो है हमारा इंजूरिया साइन डैमनम, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इंजूरिया साइन डैमनम को, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि ये आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स होता है, ठीक है ना। इंजीरिया का मतलब होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, साइन का मतलब होता है विदाउट, और डैमेजेस डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ मनी, हेल्थ, कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस। दस इंजीरिया साइन डैमनम मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द प्लेंटिव। इसका मतलब है कि आपका वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन के लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, बट
उस पर्सन को जिसे हम प्लेंटिव कहते हैं, जिसको आपको मतलब वायलेशन ऑफ, जिसके लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसको कोई डैमेज कॉज नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो इफ देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन बाय अनदर पर्सन एंड द प्लेंटिव सफर्ड नो डैमेज, देन ऑल्सो ही विल बी लाइबल टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट एज हिज लीगल राइट्स हैज बीन वायलेटेड बाय द डिफेंडेंट। तो ये जो कंडीशन, ये जो पूरी कंडीशन है, इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि अगर मान लो किसी पर्सन के लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है किसी दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, बट उस पर्सन को कोई भी आपका डैमेज नहीं हुआ या कोई हार्म उसको नहीं हुआ है, तो भी जो प्लेंटिफ है, मतलब जिसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, वो सूट फाइल कर सकता है लीगल रेमेडी के लिए अगेंस्ट द डिफेंडेंट। सो वी कैन से दैट व्हेन देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एन एब्सोल्यूट प्राइवेट राइट विदाउट एनी एक्चुअल लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ, देन द पर्सन इज एलिजिबल फॉर टॉर्शियस लाइबिलिटी। मतलब कोई भी पर्सन टॉर्शियस लाइबिलिटी के लिए एलिजिबल कब होगा, जब उसके जो प्राइवेट राइट हैं उनका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है किसी दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, और उस पर्सन को जो प्लेंटिफ है उसको कोई भी एक्चुअल लॉस या डैमेज नहीं हुआ है, तो उस केस में भी आपका वो पर्सन जो है टॉर्शियस लाइबिलिटी के लिए एलिजिबल होगा, मतलब वो सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, इफ अ पर्सन कम्स टू योर हाउस विदाउट योर परमिशन एंड रोम्स ऑल अराउंड इन योर होम एंड लीव्स योर होम, हेयर देयर इज नो एक्चुअल डैमेज कॉज बट योर प्राइवेट लीगल राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड और वायलेटेड। इसका मतलब ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, इसका मतलब ये है कि सपोज करो कोई पर्सन है, वो आपके घर में आता है, पूरी आपके घर में घूम रहा है, ठीक है ना, कोई उसने डैमेज, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया आपके घर को ना आपको, ठीक है ना, और वहां से चला जाता है। तो इस केस में आपका जो आप मतलब आप जिसके घर में उसने उस पर्सन ने एंट्री की है बिना उसकी परमिशन के, वो पर्सन जो है जो प्लेंटिव कहलाएगा, वो सूट फाइल कर सकता है उस दूसरे पर्सन के लिए जो जो बिना उसकी परमिशन के उसके घर में एंटर किया है, ठीक है ना। तो इस केस जो ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो इस केस में जो पर्सन है जिसके जो जिसे हम प्लेंटिव कहते हैं, उसकी परमिशन के बिना किसी दूसरे पर्सन ने आपका उसके घर में एंट्री ली, ठीक है ना, और उसको कोई भलाई उसको कोई डैमेज नहीं पहुँचाया, बट उसके लीगल जो राइट्स थे उनके जो उसके लीगल राइट्स से उनको उसने क्या करा, वायलेट किया है, तो इसलिए वो आपका केस फाइल कर सकता है। टू एक्सप्लेन दिस मैक्सिम द फॉलोइंग केस लॉज विल बी हेल्पफुल। तो ये जो मैक्सिम है इंजीरिया साइन डैमनम, या आगे जो हम मैक्सिम पढ़ेंगे डैमनम साइन इंजीरिया, उसको अच्छे से समझने के लिए कुछ केस लॉज हैं जो कि आपको एग्ज़ाम जो आपका पेपर आएगा उस पर भी मैंशन करना ज़रूरी है। तो ये जो केस लॉज हैं इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एशबाय वर्सेस वाइट का केस, 1703 का केस है ये, ठीक है ना। तो ये जो केस था आपका, इसमें आपका जो प्लेंटिव था वो एक लीगल वोटर था, ठीक है ना, और डिफेंडेंट जो था वो एक रिटर्निंग ऑफिसर था, ठीक है ना। प्लेंटिव जो है वो क्योंकि लीगल वोटर है, उसका लीगल राइट बनता है वोट करने का कि वो अपने चॉइस के किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सके, बट जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने क्या करा, उसको अलाउ नहीं करा उसको वोट देने के लिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या करा, जो प्लेंटिव था उसने बाद में आपका जो डिफेंडेंट था जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया फॉर कंपनसेशन के लिए। हालांकि इस केस में आपका जो प्लेंटिव था उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, कोई भी डैमेज मतलब एक्चुअल लॉस उसको कॉज नहीं हुआ था, बट उसके जो लीगल राइट था, लीगल राइट टू वोट जो था वो आपका वायलेट हुआ था, तो इसलिए आपका जो कोर्ट था, कोर्ट ने क्या हेल्ड करा। सो इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वॉज लाइबल टू पे कंपनसेशन बिकॉज ही हैज़ वायलेटेड द लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिव टू वोट। मतलब कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट जो है वो आपका कंपनसेशन पे करेगा, किसको, आपका जो प्लेंटिव है उसको कंपनसेशन पे करेगा, क्यों, क्योंकि उसने उसके जो लीगल राइट था वोट देने का जो लीगल राइट था उसको वायलेट किया है, ठीक है ना। Even though the plaintiff suffered no loss in terms of money, or the candidate of his choice was also get elected, ठीक है, even though मतलब इसका मतलब है कि भला ही उसको कोई भी आपका नुकसान हुआ, कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, और उसकी पसंद का कैंडिडेट जीत भी गया, बट तभी भी
उसको आपका उसके जो लीगल राइट था वोट करने का जो लीगल राइट था वो आपका वायलेट हुआ था, ठीक है ना। सो कोर्ट की नज़र जो कोर्ट की नज़र में आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर था, जो डिफेंडेंट था, उसने क्या कमिट किया था, टॉर्ट कमिट करा था, इसलिए वो लायबल था टू पे कंपनसेशन टू दी प्लेंटिव। दूसरा केस है आपका मार्जेटी वर्सेस विलियम्स का 1830 का, बैंक रिफ्यूजिंग कस्टमर्स चेक वाली कंडीशन है इसमें। इसमें क्या था, आपका जो प्लेंटिव था उसके अकाउंट, वो आपका अकाउंट होल्डर था किसी बैंक में, आपका अकाउंट होल्डर था, ठीक है ना, और उसके जो बैंक अकाउंट था उसमें सफिशियंट अमाउंट भी था, तो उसने क्या करा, वो जाता है कुछ पैसे विड्रॉ करने के लिए, बट जो आपका वहाँ का मैनेजर जो था वो आपका क्या करता है, जो डिफेंडेंट या जिसे हम बैंकर, जो बैंकर था या डिफेंडेंट जो था वो क्या करता है, वो मतलब उसका जो चेक है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो प्लेंटिव था उसके बैंक में सफिशियंट अमाउंट होने के बावजूद, ठीक है ना, जब उसका चेक एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो आपका केस फाइल कर देता है किसके अगेंस्ट, आपका बैंकर के अगेंस्ट, जो डिफेंडेंट था उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है डैमेजेस के रिकवरी के लिए, ठीक है ना। तो इस केस में आपका कोर्ट ये कहता है कि आपका जो डिफेंडेंट है वो आपका कंपनसेशन पे करेगा प्लेंटिव को, क्योंकि उसने उसका जो लीगल राइट है उनको वायलेट करा था, ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो था उसके जो कस्टमर जो था उसके अकाउंट में सफिशियंट अमाउंट भी था, तो उसके पास में कोई आपका कोई लीगल लॉजिक नहीं था उसको उसको अवॉइड करने की। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। जो डेमनम साइन इंजीरिया वाली जो कंडीशन और जो लीगल रेमेडी हमारा जो टॉपिक बचता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी विजिट कीजिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।